मैं परिस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सायरा परी है। मैंने सुना कि मृतलोक की धरती बहुत खूबसूरत है। अब मैं अपने इस परिस्थान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी, देखूंगी कि क्या वाकई में मृतलोक की धरती बहुत खूबसूरत है। हर छोड़ कर मैं परिस्थान जाऊं अभी, छोड़ कर मैं परिस्थान, छोड़ कर मैं परिस्थान जाऊं अभी, सैर मृत लोक की कर के आऊं अभी, सैर मृत विश्राम है और मेरे दिल की तमन्ना वो पूरी सभी, मेरे दिल की तमन्ना, मेरे दिल की तमन्ना हो पूरी सभी, सैर मृत लोक की कर वक्त परिस्थान से मृतलोक की धरती पर जाऊंगी और घूम कर देखूंगी। क्या बताऊं, जब से माता का खून हो गया तब से हमारे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। एक माही थी मेरे, जो कि मेरी माँ का भी साया हमारे सर से उठ गया, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। आओ प्रिय आओ। भैया ये कौन है? नई रिश्तेदारी? मैं कुछ समझा नहीं। भैया आखिर कौन है जो कि आपके साथ में आई है? भैया ये कोई और नहीं, ये आपकी भाभी। क्या हमारी भाभी है? हाँ। यानी कि आपने शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं।
अरे इतना भी जल्दी क्या थी? इमरजेंसी में शादी करेंगे, टाइम ना पाएंगे बताओ। मुझसे बताने के लिए टाइम नहीं मिला भैया। अरे आप एक बार मुझसे कह देते तो यही शादी मैं धूमधाम से रचाता, लेकिन आपने मुझे बताना उचित नहीं समझा। और भैया पिताजी जब भी आपको शादी करने के लिए कहते थे तो आप हमेशा इनकार कर देते थे, इसीलिए पिताजी को मजबूर होकर हमारी शादी करना पड़ा। आज पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है और मां भी इस दुनिया में नहीं, तो आपने शादी कर लिया भैया। भैया मैं इनसे प्यार करता था और इन्होंने मुझे मजबूर किया, तो मजबूरन मुझे शादी करना पड़ा है। ठीक है, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपने जो भी कुछ किया सोच समझ कर ही किया होगा, लेकिन भैया आप मुझे बताएं कि ये लड़की किस रियासत की रहने वाली है और इसका नाम क्या है और इसके माता पिता का नाम क्या है और ये किस खानदान की रहने वाली है? क्या? अरे हमारे भी खानदान से ऊंचा खानदान है इसका। मेरे इनके रिश्तेदारी नहीं है, बहुत दूर दूर है रिश्तेदारी। हैदर का, गोसाईगंज, खुन्ना का ताल, सफेदाबाद, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रतापगढ़, भैरवपुर। भैया आखिर आप बतलाएं मुझे कि लड़की किस रियासत की रहने वाली है, उसके माता पिता कौन है और ये किस खानदान की है? भैया इस खानदान में कोई नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है, इसका संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसका इस संसार में कोई नहीं है, तब तो आपने अच्छा किया जो कि इसे अपना लिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं रहा भैया जो मैं पूछ रहा हूं, आप साफ साफ बतलाएं मुझे कि कहां की रहने वाली है और किस खानदान की है। भैया इन बातों से क्या वास्ता है, छोड़ी जो होना तो सो हो गया है, क्या मतलब है इन बातों से है? नहीं भैया, अगर आप मुझे नहीं बतलाएंगे तो सोच लो हम इन्हें अपनी भाभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिमाई मामला फंस गया है, ऐसा फसावा है, कोई तरकीब निकाल गई है। तरकीब का कब हमका चिखवाया? 40-50 हजार रुपए खर्च किया तेरे पीछे। भैया अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे बतलाऊंगा कि कौन है और कहां की रहने वाली है। ये कोई और नहीं, मुन्नी बाई के कोठे की रहने वाली ये रामगढ़ी है भैया। क्या? ओ के भाई तू एक सम्राट का, ओ के भाई तू एक बेसिया को लाया, अब बना कर दुल्हन शर्म आई नहीं है तुझे पे।
राम खोल, तू मेरा भाई होकर इतना घिनौना काम किया, अरे तुझे मेरा जरा से खौफ नहीं आया कि तू एक इस रल्ली को लेकर हमारे चौखट पे आ गया? हराम खोर, तुम दोनों का मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों का सकल तो स्वामी जी बात मानो हमारी, अगर इस बिचारी का इसमें क्या दोष है, बल्कि जे ढाल रहे साथ में रहे साथ में, बाप करी तो खता दोनो मेरी दोस्ती है, बल्कि जे ढल मेरे रहे साथ में। स्वामी अपने क्रोध को शादी करिए और इन लोगों को अपना लीजिए। प्रिय गीता, तुम क्या चाहती हो कि इस एक रंडी को हम अपने इस राजमहल में बना दें? नहीं, ये हमारी वसूल से। नहीं प्रिय, हम इस रंडी को इस अपने राज दरबार में पना नहीं दे सकते, और तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हमारे रास्ते नहीं स्वामी, आपको मेरी सौगंध है, इन लोगों को अपना लीजिए। और फिर जेठ जी ने इनसे प्यार किया है, और प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है। प्रिय प्रिय गीता, तुमने अपनी सौगंध देकर मुझे मजबूर कर दिया। नहीं, अगर तुमने मुझे अपनी सौगंध लेकर मजबूर किया तो ठीक है, हम इन्हें अपनी भाभी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इस राजमहल में कुछ हुआ तो उसकी वजह तुम होगी, तुम समझना और सोचना। पिताजी और माँ जी, ये दादाजी के साथ में कौन है? बतलाओ इसे कि कौन है कौन नहीं, और जोड़ रिश्ते। हाँ माँ, मेरे लाल, जानना चाहते हो कि ये कौन है? हाँ क्यों नहीं माँ। बेटा ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाओ अपनी दादी माँ के पैर छुओ और अपनी दादी माँ से आशीर्वाद लो मेरे लाल। जाओ दादी माँ प्रणाम कर। दादी माँ आपके आने से आज मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि अभी तक माँ थी, लेकिन आज के बाद एक नहीं मेरे पास दो दो माँ हो गई है। तुहरे हस किस्मत को हो गए ना भैया, तुहरे लाज दुई दुई महतारी तीन तीन बाप। चुप, ये कैसे तीन बाप नहीं समझो? एक महाराज तो तुम्हारा ओरिजिनल पिता है ही है, और ये जो खड़े हैं सुस्त हो गए। हाँ ये दादाजी हैं। दादा क्या होता है? दादा पिता के समान है। तो और मैं कौन हूँ? आप भी चाचा है। चाचा क्या होता है? चाचा जी पिता के समान। तो तीन हुए इनका। वारे चाचा जी, क्या मजाक किया आपने। माँ समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज।
ठीक है बेटा जा अपना ख्याल रख। खुश रहो बेटा, मैं तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगा शायद जिंदगी में कोई माँ प्यार नहीं करी। क्यों नहीं दादी माँ, हमें आपसे यही उम्मीद। घबराओ नहीं बेटा, खाओ पियो मौज करो, एक नहीं दो दो माँ। जाओ तकलीफ तुमका हो न पाए। ठीक है चाचा जी, नमस्ते। बड़ी दीदी डरो नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो आप लोगों ने शादी कर ली है। अभी तक मैं इस हवेले में अकेली रहती थी, लेकिन अब तो मेरे साथ में रहने के लिए कि आप जैसी मुझे बड़ी बहन मिल गई है, मुझे बहुत खुशी हुई। देवरानी जी, आपको खुशी है और आपसे ज्यादा मुझे खुशी है। तो वैसे देवर जी मिले, आप जैसी देवरानी मिली। हाँ दीदी, वैसे स्वागत में कोई कमी नहीं रखी, आप लोगों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। बड़ी दीदी आप घबराइए नहीं, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक आपकी स्वागत ऐसी होती। घबराओ नहीं देवरानी जी, आपकी जेठानी हूँ, जेठानी का ज्यादा फर्ज होता है, अदा करके दिखाऊंगी जेठानी क्या होती है। बहुत अच्छी बात है बहन, लेकिन खैर सारी बातों को छोड़िए, देखिए आप लोग थके हुए नजर आ रहे और मेरे साथ में चलिए, मैं आपको आपका बेडरूम दिखा दे रही हूँ, आइए मेरे साथ। तुम साले हराम जादे रिश्तेदारी बता रहे हो, ठहरो पर। हराम घोर नहर ने मुझ पर जुर्म किया और तुम साले कुत्ते मौज ले रहे हो। हराम घोर मैंने उसे प्यार किया है, लेकिन सिवाय नहर सिंह ने जो कुछ किया है अपने हक में अच्छा नहीं किया। मेरे गाल पर थप्पड़ नहीं, अपनी मौत को दावत दिया है। नहर वक्त का इंतजार करिए नहर, अगर एक एक जुर्म का बदला तुमसे ना चुकाया तो हमारा नाम जहर शहरी है। अरे नहर तुझे हम खून के आंसू रुलाएंगे और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा नहर कि पानी तुम्हारे पास होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। पक्त का इंतजार। अच्छा स्वागत किया है मेरे, और तुमने भी स्वागत में कोई कमी नहीं। हम का कीने बचाओ, हराम खोर पोस्टर वो बना रहा, प्रचार तुम कर रहे थे। हम को प्रचार करी हैं क्या बता रहे हैं, हैदरगढ़ गोसाई गए तो सब रिश्तेदारी बताओ ना। तुमको रिश्तेदारी बताने क्या जरूरत थी? अरे तो आज नहीं काल तो जनबे करी है, काट डालूंगी समझ लेना। चलो अब ना बताओ, नाहर सिंह में मेरे बदन पे कोड़े बरसाए हैं। नाहर सिंह तुमने अच्छा नहीं किया, रामकली के बदन पे कोड़े बरसा करके रंडी से बगावत करके इस संसार में जी नहीं पाओगे। कितना बड़ा सपना सजा के आई थी सिपाही कि शादी करके जाऊंगी राजमहल में, सुहाग रात में मिठाई मिलेगी खाने के लिए, यहाँ क्या मिल रहा जूता लात स्वागत। बहुत किस्मत आए सुहागरात में मिठाई तो सब मेहरारू खा रहे, जूता लात को खा रहे। सिपाही हाँ, वक्त का इंतजार करो हाँ, वक्त का इंतजार करो। अगर नाहर सिंह हाँ, हराम जदे तुझे दुनिया से ना दूर करवाई तो मेरा भी नाम रामकली नहीं है, सिर्फ इंतजार है वक्त का। आज इसका समय है, इसके सर पे ताज है हाँ, ये नहीं बोल रहा इसके सर का ताज बोल रहा हराम। हाँ, तुम वही तरह कहे ना जो जूता लात खा थी, हमारे साथे रह तू तुमका पूरिया मत। ए मास्टर बजाओगे वो बेक बजाओ नहीं फल फूल लगाए जहाँ बजाओ रात बिना मन के ना बजाओ ऐसे पड़ी रहो ठीक।
अब तुम निहारा तो अंत हो खाली पीछे पाइए। हाँ न हम गई हो तुम वही तरह कहन हो जो जूता लात खात हो। तुमका हम पुरिया मलाई के रखी लेकिन दिक्कत न हो जे। सिपाही मुझे तुम्हारी झोपड़ी नहीं चाहिए। राजमहल महारानी बनना है मुझे और जब तक महारानी नहीं बन जाऊंगी कुछ भी करना पड़ जाए दो चार दूता और चाहे पाए राम बड़ी पीछे नहीं हटेगी ये समझ लेना। तुम एक काम करो तेल गरम करके आओ चलो पूरे बदन में मालिश करो। समझ रहे हमारी बात को? समझी। क्योंकि जौहर सिंह है शख्स हराम को ये सुहाग रात में मानेगा नहीं। चलो मालिश करवाते। आज जिंदगी में पहली बार नौकरी बढ़िया लाग है तेल लगाओ वाली कम से कम एक क्विंटल तेल खाओ जाओ ढाई क्विंटल लहसुन सारी दांत मलिशे में बिताएगी मालिश कम करब निहारब ज्यादा आधा हमारा अरमान आ जाए पूरा हो जाए।